الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك حجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوأم وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. तो इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, खुतबा शिक्षकिया, जो पिछले ऑलमोस्ट फोर क्लासेस से, फोर वर्कशॉप से हमारा यही टॉपिक चल रहा है कि किस तरह से इमाम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबे में बयान किया है कि उनके गले में जैसे हड्डी फंसी थी, आंखों में जैसे कांटे थे। ये एक ऐसी ऐसा खुतबा है के जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये खुतबा नहजुल बलागा में नहीं होता तो कोई बता नहीं सकता था कि नहजुल बलागा एक शिया बुक है, राइट? यानी कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे नहजुल बलागा के अंदर है, मगर ये एक वाहिद खुतबा एक ऐसा है कि जिसे पता चलता है कि एक शिया बुक है, एक शिया किताब है। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था, जिसकी जगह थी सकीफा, सकीफा से जिस चीज की इब्तिदा हुई थी और जिसे लोगों ने अपना खलीफा अव्वल सिलेक्ट किया था, कुछ लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन के तहत फर्स्ट खलीफा चूज किए गए हैं, मगर इस इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे इलेक्टर्स थे जो मौजूद नहीं थे। बहुत सारे ऐसे रसूलुल्लाह के जाने माने और ऐसे सहाबी के जिनको एकेलेट्स, जिनको बाकायदा फजीलतें दी गई हैं, ऐसे सहाबा मौजूद नहीं थे, ठीक है? जैसे कि जनाबे सलमान, जंगे खंदक के अंदर जनाबे सलमान को कहा गया कि सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहलल बैत में से। जनाबे अबू जर, जिनके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि आसमान ने किसी ऐसे सच्चे पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे सच्चे का बोझ नहीं उठाया जो अबू जर से ज्यादा सच्चा। यानी ये ऐसे असहाबे रसूल थे कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने काफी फजाइल बयान किए, ठीक है? जिसमें से एक है अम्मार, अम्मार यासिर, जिनके लिए रसूल अल्लाह ने कहा कि अम्मार यासिर को एक बागी गिरोह, यानी बगावत करने वाला गिरोह कत्ल करेगा। तो अजीजा ने मोहतरम, ये कुछ ऐसे अस्हाबे रसूल थे कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई थी, जिनमें से ये अस्हाब मौजूद नहीं थे सकीफा के अंदर। और इनके अलावा भी काफी सारे अस्हाब ऐसे थे कि जिन्हें रसूल अल्लाह ने जुशहादतैन है, इनकी एक की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। ये कुछ ऐसे असहाब है कि जो रसूल अल्लाह के नजदीक एक बहुत गिरा कद्र, काफी बेहतरीन मर्तबा रखते थे, मगर ये लोग भी सकीफा के उस इलेक्शन में शामिल नहीं थे। इन लोगों की रजामंदी भी उस इलेक्शन में नहीं ली गई थी, जिसमें खलीफा अव्वल के तौर पर अबू बकर को सिलेक्ट किया गया है, राइट? आप लोग जानते हैं ये अबू बकर है, ये अहले सुन्नत के नजदीक क्यों इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, या इनकी कौन सी फजीलतें हैं? जैसा कि हम जानते हैं अमीर अल मोमिनीन की अगर बात की जाए, जो हमारे लिए बिला फसल खलीफा है, रसूल अल्लाह के बाद बिला फसल खलीफा है, राइट? तो उनकी बहुत सारी फजीलतें जो गिनी ना जा सके, इतनी फजीलतें, चाहे वो दावत जुल अशीरा हो, चाहे वो जंगे खैबर हो, चाहे वो जंगे बद्र हो, जंगे ओहद हो, जंगे हुनैन हो, कोई भी जंग हो, चाहे वो इल्मी मरहला हो, चाहे वो इबादत का मरहला हो, चाहे वो रियाजत का मरहला हो, चाहे वो सखावत का मरहला हो, हर एक एस्पेक्ट, हर एक बेस्ट मरहले के अंदर हम देखेंगे कि अमीर अल मोमिनीन की फजीलत मौजूद है, ठीक है? ज़कात देने का मरहला हो, इताअत रसूल का मरहला हो, शुजात व बहादुरी का मरहला हो, हर जगह रसूल अल्लाह के नजदीक हमें अमीर अल मोमिनीन नजर आते हैं, है ना? मगर
जिन्हें खलीफे बिला फसल हम समझते हैं उनकी तो इतनी सारी फजीलत, मगर जिन्हें वो रसूल अल्लाह के खलीफा समझते हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरे अहले सुन्नत के लोग रसूल अल्लाह का खलीफा समझते हैं या मानते हैं, उनके नजदीक खलीफा अव्वल की फजीलत क्या है? अगर ये पूछा जाए कि आप क्यों क्यों अली अलैहि सलाम जैसी शख्सियत के, जिन्हें इतनी सारी फजीलतें, एक्लेट्स जिन्हें मिले हैं, तो उन्हें छोड़कर क्यों रसूल अल्लाह के बाद जनाब अबू बकर को क्यों अपना पहला खलीफा मानते? ठीक है, तो वो उनकी फजीलत में कुछ चीजें बताते, जिसमें से पहली चीज वो ये बताते हैं कि रसूल अल्लाह के साथ रहने की एक ऐसी फजीलत, बल्कि वो ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह के बात पर जो रसूल अल्लाह ने कहा कुलूला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से एक अबू बकर थे। यानी आप जानते हैं, हम सब ये समझते हैं, सब ये जानते हैं, अहले सुन्नत अहले शिया सब लोग मुत्तफिका यानी कॉमनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि रसूल अल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाने वाले अमीर अल मुमिनीन थे, जनाबे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, राइट? ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं जानती है? मैं आपको बुक का नाम बता सकती हूँ। वो ये कहते हैं, ठीक है, अल इस्तिशाम फी मारिफती सहाबा नाम की किताब है, इब्ने अब्दुल बर इसके ऑथर हैं। ये कहते हैं कि अबू बकर, जनाब अबू बकर सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्दों में से थे। ठीक है, यानी आप समझिए कि कैसे इन लोगों ने बाइफरकेशन किया है कि ईमान लाने वालों में सबसे कबल, सबसे पहले ईमान लाने वाले बच्चे अली अलैहि सलाम थे। यानी उस वक्त जब रसूल अल्लाह ने इस्लाम की तबलीग और तरवीज का आगाज किया था, शुरुआत की थी, इब्तिदा की थी, तब अली अलैहि सलातो सलाम की उम्र कितनी थी, कोई जानता है? अली अलैहि सलाम की एज क्या थी तब? 11 years, 11 साल। अलग अलग मुअर्रखीन अलग अलग लिखते हैं, लेकिन 11, 12, 13, इससे ज्यादा नहीं लिखी गई। कुछ कहते हैं 11 साल की उम्र थी। ठीक है, तो 11 years की एज। अब उस एज में अमीरुल मोमिनीन ने इस्लाम को कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था। ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले अली अलैहि सलाम ने एक्सेप्ट किया था, खवातीन औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह थी, और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले एक जनाब अबी बकर। ठीक, ये जो मैंने किताब आप लोगों को बताई, अल इस्तिआब फी मारिफती सहाबा, इसमें इब्ने अब्दुल बर्र नाम के इसके जो ऑथर हैं उन्होंने इस बात को नकल किया है। ठीक है, अब इसी बात को रद्द करती हुई एक और अहले सुन्नत की किताब, ये जो फर्स्ट बुक मैंने बताई ये भी अहले सुन्नत की थी, अब जो सेकेंड बुक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये भी हमारे बिरादरे अहले सुन्नत की है, बल्कि कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं, कई सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जनाब अबू बकर पहले तो नहीं ही थे, मगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे भी नहीं थे, दसवें भी नहीं थे। हाँ, दसवें भी नहीं थे ईमान लाने में, रसूल अल्लाह पर ईमान लाने में, इस्लाम को कबूल करने में। बल्कि मैं आपको किताब का नाम दूं, तबरी, ये एक ऐसी सुन्नी बुक है जो मशहूर और मारूफ है, राइट? ये फेमस ऑथर्स, फेमस फेमस बुक्स में से, यानी कई अहले तशय्यो शिया भी इस बुक के नाम को सुना हुआ है, राइट? तो तबरी में उसके ऑथर ये लिखते हैं, तारीख तबरी के ऑथर तबरी ये लिखते हैं कि अबू बकर, जनाब अबू बकर इस्लाम कबूल करने में 50th यानी 50वें थे, 50वां इंसान जिसने इस्लाम को कबूल किया है। इब्ने माजा ये भी अहले सुन्नत के राइटर हैं, ये कहते हैं कि अमीर अल मोमिनीन, अच्छा अमीर अल मोमिनीन ने कहा है, अमीर अल मोमिनीन अली अलैहि सलातो वसलाम इरशाद फरमाते हैं कि मफहूमन बाकी लोगों से 7 साल पहले, 7 years बिफोर, बाकी लोग जब नमाज पढ़ना शुरू किए यानी ईमान लाए और उन लोगों ने नमाज का आगाज किया पढ़ने का, उससे 7 years पहले, 7 साल पहले अमीर अल मोमिनीन कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी है 7 साल पहले। यानी ये समझ भी लिया जाए कि अगर रसूल अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से 50वां नंबर जनाब अबी बकर का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरी डे एक 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 बंदा ईमान ला रहा है, या हर रोज दो दो तीन तीन लोग ईमान ला रहे हैं, ऐसा नहीं था। इनिशियली बहुत कम लोग थे कि जो ईमान ले आए थे, और काफी अरसा गुजरा है कि इन लोगों को ईमान लाने में, राइट?
तो नहीं मालूम है कि ये 50वें नंबर पर तो थे, लेकिन ईमान लाते हुए इनको कितना अरसा गुजरा ये नहीं मालूम। मगर इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, इब्ने माजा, ये जो सुन्नी ऑथर जो मशहूर हैं, इन्होंने लिखा कि अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने बाकी लोगों से 7 साल पहले, 7 years पहले मैंने नमाज का आगाज, पढ़ने का आगाज किया था जाहिरन। हाँ, मख्फी इबादतें तो हम जानते हैं कि कई ऐसी रिवायतें अहले तशय्यो की, शिया किताबों में ऐसी बहुत सारी रिवायतें मिलती है कि जिसमें अम्बियाओं के जमानों का जिक्र है कि फला अम्बिया के जमाने में अमीर अल मोमिनीन थे, फला अम्बिया के जमाने में अमीर अल मोमिनीन थे, यहाँ तक कि जनाबे आदम के लिए भी जिक्र मिलता है कि जब जनाबे आदम को खल्क किया गया, तो जनाबे आदम की निगाह जब उठी तो उन्होंने दो अनवार को देखा, दो नूरों को देखा कि जो जिक्र खुदा में मशगूल थे, जिक्र इलाही कर रहे थे। यानी हम ये देखिए स्पिरिचुअल या मानवी तौर पर या मख्फी तौर पर तो अमीर अल मोमिनीन कई हजारों साल से इबादत कर रहे हैं, मगर जाहिरी तौर पर अमीर अल मोमिनीन बाकी लोगों से 7 साल पहले नमाज पढ़ने का आगाज कर चुके हैं। ओके, अब ये जो जनाब अबू बकर हैं, इनके लिए मिलता है कि ये आमूल फील से 3 साल पहले इनकी विलादत, यानी ये इनका बॉर्न हुआ है आमूल फील से 3 साल पहले, और रसूल अल्लाह का जन्म हुआ है आमूल फील के साल में, ठीक है, यानी ये रसूल अल्लाह से 3 years छोटे थे, 3 साल छोटे थे। इन्हें जो टाइटल्स दिए गए हैं उसमें से एक मशहूर और मारूफ टाइटल, कोई जानता है कि जनाब अबू बकर को कौन से टाइटल दिए गए, कोई बता सकता है कौन कौन से टाइटल दिए गए? अगर आप को पता हो तो जनाब अबू बकर को, क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी और बाकी हमारे मर्जाए तकलीद इत्तेहाद के कायल हैं, लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में बात की जाए, ठीक है। तो उन्होंने फरमाया, मतलब लोग ये कहते हैं कि उन्हें सिद्दीक का टाइटल दिया गया, सिद्दीक के, या ना सिद्दीक के, यानी माना माना क्या है सिद्दीक के? सच्चा। एक मतलब उसका ये भी निकलता है, द वन हु ट्रस्ट, जो यकीन रखे, जो बिलीव करे, जिसके पास यकीन हो, जो सच्चा, ये भी इसका एक मीनिंग बताया जाता है। अच्छा, इस मीनिंग को आई ट्राई टू प्रूव, है ना, मैं इस मीनिंग को साबित करने की कोशिश करूंगी। रेफरेंस है उस दुलगाबिर नाम की बुक में, उसदुल गाबिर एक अहले सुन्नी की बुक है। इस बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू इब्ने असीर उसके राइटर हैं, वो ये नरेट करते हैं, वो ये लिखते हैं कि आयशा बीबी ने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज से रिटर्न हुए, मेराज से जब वो वापस आए हैं, रिटर्न हुए हैं, तो उस वक्त क्योंकि रसूल अल्लाह के साथ मेराज पर जाने वाला दूसरा कोई सहाबी था नहीं, राइट, तो जब रसूल अल्लाह वापस आए हैं और उन्होंने मेराज का पूरा वाकया बयान फरमाया है, तो रसूल अल्लाह पर मेराज के वाकये के हवाले से सबसे पहले यकीन लाने वाले और इस बात की तस्दीक करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, ईमान लाने वाले ये अबू बकर थे, ठीक है, और इसीलिए उन्हें सिद्दीक का टाइटल मिला, ठीक। अब अजीजा ने मोहतरम, ये तो हुआ एक नरेशन, उस दुलगाबिर बुक में इब्ने असीर ने ये नरेट किया है, इसके इसके अपोजिट, ठीक है, मगर दूसरी एक अहले सुन्नी की बुक है, अल असाबिर फी मारिफते सहाबा, इस बुक के राइटर हैं, बहुत ही फेमस ऑथर हैं इसके, इब्ने हजर अस्कलानी, बहुत मशहूर ऑथर है अहले सुन्नत के, ये लिखते हैं कि सिद्दीक टाइटल किसी और के लिए था, ठीक है। अब सिद्दीक टाइटल किसके लिए था, तो फरमाया एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद एक बहुत बड़ा फितना होगा, मफहूमन तमाम बातें, फरमाया रसूल अल्लाह ने कि मेरे बाद एक बड़ा फितना होगा और मैं चाहता हूँ कि उस फितने के वक्त तुम अली के साथ रहो, क्योंकि अली तुम में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे और यौमे कियामत सबसे पहले मुझसे आकर मिलेंगे, मुझसे मुसाफिहा करेंगे यौमे कियामत सबसे पहले।
और वो सिद्दीक अकबर है, वहो सिद्दीकुल अकबर, वहो फारूकुल उम्मा, वहो यासूबुल मुमिनीन। ये रसूल अल्लाह की जो अरबिक में पूरी जो हदीस है उसका एक जुज है, इसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया वहो सिद्दीकुल अकबर, सिद्दीकुल अकबर वो सबसे बड़े सिद्दीक थे, वो फारूकुल उम्मा और वो अपनी उम्मत के फारूक थे, वो यासूबुल मुमिनीन वो अपनी मोमिनीन के यासूब सरदार थे, वो मोमिनीन के यासूब थे सरदार थे। ठीक है, यानी समझ में आता है सिद्दीक टाइटल जो दिया गया है पहले खलीफा को, मगर अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत की किताब अल असाबिर फी मारिफत सहाबा, जिसके राइटर हैं इब्न हजर अस्कलानी, कि जिन्होंने ये फरमाया कि ये टाइटल बल्कि इससे बड़ा हम ये कह सकते हैं सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीकुल अकबर, अकबर अकबर कबीर की सुपरलेटिव डिग्री है, कबीर यानी बड़ा, और कबीर की सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे बड़ा, जब हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वैसे अकबर यानी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ ये जो वर्ड यूज हुआ है सिद्दीकुल अकबर, सबसे बड़ा सच्चा, ये एक्लेट, ये फजीलत जो दी गई है वो अमीर अल मिनीन अलैहि सलातु वस्सलाम को दी गई है ना। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन सी फजीलत है, तो एक फजीलत जो ये बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी की, ये बताते हैं कि जनाब अबी बकर वक्त हिजरत रसूलुल्लाह के साथ गार में थे, यानी रसूलुल्लाह के साथ साथ इन्होंने हिजरत की। ठीक है, सब जानते हैं हिजरत के वक्त क्या हुआ था, इसकी भी फजीलत जो अमीर अल मोमिनीन अली अलैहि सलातो वसलाम के सिर पर इसकी फजीलत का ताज जो रखा गया है, हिजरत की शब, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा फिशानी जा निसारी का जो जज्बा अमीर अल मोमिनीन में देखा गया है, पाया गया है, वो किसी और में नहीं देखा गया, ऐसी जा फिशानी ऐसी जा निसारी जो अमीर अल मोमिनीन में नजर आती है। कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 कबीले के लोग, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी, कि जानते हैं ये पूरी एक स्ट्रैटेजी बनी थी हिजरत से पहले कुफ्फारे कुरैश ने एक बाकायदा पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि किस तरह से ये लोग रसूल अल्लाह पर हमला करेंगे, क्या करेंगे। जब ये लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो उस वक्त इसमें अबू जहल अबू लहब और बाकी ये सारे लोग मौजूद थे। ठीक है, तो जब ये डिस्कशन हो रहा था तब उस वक्त ये सबसे पहला सवाल आया कि ठीक है रसूल अल्लाह को नाउज़ुबिल्ला, अच्छा ये इन लोगों ने अलग अलग चीजें सोची थी। हाँ, पहले इन्होंने सोचा था कि या तो रसूल अल्लाह को जिला वतन कर देंगे यानी देश निकाला कर देंगे, इनको हमारे मक्के से बाहर कर देंगे, तो इसका आंसर यह है कि अगर इन्हें मक्के से बाहर करेंगे तो इसके ये किसी और जगह पर जाकर अपना दीन फैलाएंगे, और फिर वो जिस जगह पर जाकर अपना दीन फैलाएंगे वो जगह और ज्यादा मशहूर और मारूफ हो जाएगी। फिर कहा गया कि अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, इन्हें नजरबंद कर देते हैं, इन्हें कैद कर देते हैं। फरमाया अगर इन्हें नजरबंद भी कर दिया जाए तो ये नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला बहुत बड़े मैजिशियन हैं, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, लोग ये लोगों से मिलने नहीं जाएंगे तो लोग इनसे मिलने आ जाएंगे, यानी नजरबंदी भी कोई तरीका नहीं है जिससे हल आ सके इस बात का। फिर क्या किया जाए, फिर लास्ट में एट लास्ट इन लोगों ने सोचा कि रसूल अल्लाह को नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो जो स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, है ना, यहाँ इसी टाइप का सीन था कि सोच तो लिया कि रसूल अल्लाह को नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला कत्ल कर देंगे, मगर कत्ल करेगा कौन, क्योंकि जानते थे रसूल अल्लाह बनी हाशिम कबीले से, और बनी हाशिम बहुत ही शुजा और बहादुर कबीला था, कि अगर किसी बनी हाशिम के कबीले को पता चल गया कि फुला कबीले के बंदे ने रसूल अल्लाह का कत्ल किया है तो उस कबीले के पूरे लोगों का खात्मा हो जाएगा जंग में, है ना, ऐसी जंग होती, तो लिहाजा कोई नहीं चाहता था कि इस तरह से कोई एक कबीला या कोई एक इंसान रसूल अल्लाह के कत्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। तो इन लोगों ने ये सोचा कि ठीक है अगर कोई नहीं चाहता कि रसूल अल्लाह का कत्ल कोई एक बंदा करे तो इसका एक हल है, इसके लिए एक राह हल है, वो क्या है कि काम करते हैं 40 अलग अलग कबीले के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और 40 लोग एक साथ एक वक्त में एट वन गो सब साथ में रसूल अल्लाह को नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अल अयाजुबिल्ला कत्ल
एक साथ में जर्ब लगाएंगे, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा, और अगर ये सवाल आएगा कि किसने मारा, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। 40 कबीले एक साथ, यानी कौन किसको पकड़ने जाएंगे, है ना। और इसका फिर रिवेंज भी नहीं लिया जा सकेगा, इसका कसास, जिस वर्ड का यूज किया गया है, कसास, इसका कसास भी नहीं होगा। इसलिए आप जो सुनते हैं मजलिसों में बार बार कि 40 तलवारें, 40 तलवारें, ये 40 तलवारों का रीजन ये है कि 40 खुली हुई तलवारें लेकर लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब जब 40 कबीले के लोग रसूल अल्लाह के घर के चारों तरफ अतराफ में इकट्ठा हो गए हैं तलवार लेकर, इस सुबह होते ही हम रसूल को नौजुबिल्ला उनके घर में घुस के कत्ल कर देंगे। अच्छा, इसके पीछे भी एक रीजन है कि मोस्टली अबू जहल या अबू लहब, इनमें से कोई एक शख्स रसूल अल्लाह की रिलेटिव थे, ठीक है। तो भी ये लोग क्योंकि कुफारे कुरैश थे, मगर इन लोगों में गैरत बहुत ज्यादा थी, हाँ गैरत बहुत थी, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि रात में हम रसूल अल्लाह के घर में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में औरतें भी होंगी और रात के वक्त नहीं मालूम वो किस हालत में हो। लिहाजा आपने सुना होगा मजलिसों में कि उन लोगों ने सुबह का वेट किया, ये वेट करने के पीछे रीजन क्या था, ये रीजन था कि उन कुफारे कुरैश में से एक शख्स, उन कबीलों में से, उन 40 कबीलों में से एक कबीले का बंदा जो रसूल अल्लाह का रिलेटिव था, और वो ये नहीं चाहता था कि रात के तारीकी में रसूल अल्लाह के घर में कोई एंटर करे, कि जिस वजह से उनके घर की जो औरतें हैं उन पर लोगों की नजर पड़ी। यानी कुफारे कुरैश थे मगर गैरत उनमें थी, ठीक है। अब हुआ ये, 40 कबीले के लोग आ चुके हैं, अब अमीरुल मोमिनीन उस घर में मौजूद है। रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को ये खबर पहुंचाई जो अल्लाह ने उन तक पहुंचा दी थी, अल्लाह ने जो उन्हें मैसेज दे दिया था कि तुम्हारे कत्ल की साजिश हो रही है और इस तरह से 40 कबीले के लोग तुम्हारा इंतजार करें, ये बात रसूल अल्लाह ने अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। तो अब बात ये हुई कि कंक्लूजन, बहुत डिटेल में नहीं जाते, इन शॉर्ट ये बात ये हुई कि अगर अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के बिस्तर पर सो जाएंगे तो रसूल अल्लाह की जान बच जाएगी, है ना। यानी अजीजा ने मोहतरम, ये रसूल अल्लाह की जान अली अलैहि सलाम के सोने से बच जाएगी, मगर यहाँ एक बात है कि रसूल अल्लाह ने अपनी कुछ अमानतें अली अलैहि सलाम के सुपुर्द की। अब अमानतों का सुपुर्द करने का जो अमानतें रसूल अल्लाह ने सुपुर्द की थी कि फिला 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 शख्स को, यानी ये अमानतें तुम्हें पहुंचानी है, इसका मतलब ये है कि अली अलैहि सलाम को कुछ भी नहीं होने वाला है ना, अली अलैहि सलाम जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह, और ये अमानतें पहुंचाएंगे, ठीक है। बहरहाल जब रसूल अल्लाह निकले हैं तो जब रसूल अल्लाह चल रहे थे, पीछे पीछे किसी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसूल अल्लाह ने बुलाया नहीं था, हाँ, कि चलो चलो तुम जनाब अबी बकर को, कि चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें लेके जाऊंगा, है ना, ये रसूल अल्लाह ने बोला नहीं था उनको, मगर रसूल अल्लाह ने बोला नहीं था, मगर ये खुद जब पीछे पीछे आ गए थे तो अब इनके कदमों की आहट सुनकर रसूल अल्लाह को पता चल गया कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो फजीलत ये बताते हैं, वो फजीलत में बहुत सरसरी फटाफट आपको बता दूं, वो ये उस आयत का जिक्र करते हैं जिसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया था, वो मुशरिकीन से फरमाता है परवरदिगार कि अगर तुम रसूल अल्लाह को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम करेंगे। रसूल जो दो में से एक था, यहाँ देखें वर्ड दो में से एक था, उसने अपने साथी साथी से कहा, ला तहज़न, डरो मत, गमगीन मत हो, अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह ने सुकून नाजिल किया, अल्लाह ने सुकून नाजिल किया। ये जो और इसके बाद में परवरदिगार फरमाता है कि और हमने उनकी उसकी एक ऐसे ग्रुप से मदद की कि जिन्हें तुम देख नहीं सकते। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह का साथी कहा गया है, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है साहिब, साहिब वर्ड इस आयत में अरबिक में यूज हुआ है, साहिब ही कुरान में ये वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, ये शब्द कुरान में कई मरतबा था, कुरान ने इन्हें रसूल अल्लाह का साहिब साथी कह दिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये एक बहुत अच्छे इंसान थे, मगर ये वर्ड साहिब कुरान में बहुत सारी बार यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि मिसाल, और ये वर्ड कुरान में नेक लोगों के लिए नहीं, बहुत सो के लिए नाजिल हुआ है, ठीक है। जैसे कि सूरह यूसुफ में परवरदिगार आलम फरमाता है कि जनाब यूसुफ ने जब वो कैद में थे तब उन्होंने फरमाया, या साहिब ये सिजन अरबाब मुतफर्रिकुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार,
ए मेरे सिजन के साथी, साथी ये जो साहिब वर्ड होता है ना यूज, वो साथी के लिए यूज होता है। और तब जनाबे यूसुफ जिस जिन लोगों को अपना साथी या साहिब ये सिजन साहिब साथी कह रहे थे, वो सारे काफिर थे ना, कुफार थे। इतने सारे खुदाओं से मुतफर खुदाओं से, या बेहतर नहीं, एक वाहिद कहार खुदा, तो ये जो साहिब वर्ड यूज हुआ है वो कुफार के लिए यूज हुआ है। एक और जगह परवरदिगार आलम ये कहता है मा अल्लाह साहिबकुम व मा गवा, ये कुफारे कुरैश से मक्का में परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि तुम्हारा साहिब हाँ तुम्हारा साथी कभी गुमराह नहीं हो सकता। हाँ ये भी मुशरिकों से कहा गया है अजीजा ने मोहतरम, यानी ये कुफार का साथी, यानी साथी हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए नहीं यूज किया गया है। यानी साथी साहिब वर्ड का यूज करना ये पॉजिटिव या नेगेटिव चीज की तरफ इशारा नहीं दे सकता, ये सिर्फ है कि इस जगह तुम्हारा ये साथी है, यानी इस वक्त तुम्हारा ये साथी है। जैसे कि या साहिब ये सिजन, जनाब यूसुफ ने कहा कि मेरे कैद के साथी है ना, वैसे गार का साथी, यहाँ ये साहिब गार के साथी के लिए यूज किया गया है। दूसरा ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह इनके लिए कितना सिंपथाइज करते थे। रसूल अल्लाह ने कहा डोंट बी सैड, हाँ कि ला तहजन, गमगीन मत हो, प्लीज डोंट बी सैड। तो ये अजीजा ने मोहतरम सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये गमगीन होना क्या ये अच्छा काम था, क्या ये नेक काम था या नहीं? अगर नेक काम था तो रसूल अल्लाह ने इस नेक काम के लिए रोका क्यों, है ना? क्योंकि अगर ये इबादत थी, ये कोई नेकी का काम था, तो रसूल अल्लाह रोकते नहीं। मगर रसूल अल्लाह ने रोका, इसका मतलब ये है कि ये कोई नेकी का काम नहीं था जो ये कर रहे थे, और इसीलिए इन्हें रोका गया, ठीक है? और फिर कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। हाँ हमारे यानी किसके, ड्यो ये दो के साथ है। अगर रसूल अल्लाह अगर हमारे साथ है तो अल्लाह भी हमारे साथ है, ये तो सीधी सी बात है। यानी अगर इन ड्यो में से रसूल अल्लाह को अलग किया जाए तो फिर अल्लाह साथ कैसे है? यानी अल्लाह साथ है इस वजह से क्योंकि रसूल अल्लाह यहाँ पर मौजूद है। फिर फरमाया कि अल्लाह इनके लिए पीस नाजिल करता है, अल्लाह ने इनके लिए सुकून नाजिल किया है ना, ये कहते हैं कि अल्लाह ने इनके लिए सुकून नाजिल किया, यार कितनी बड़ी बात है। तो अब इसके लिए बताया जाता है कि यहाँ पर सुकून जो नाजिल किया गया है, ये जिक्र जनाब अबी बकर के लिए नहीं है, ये जिक्र रसूल अल्लाह के लिए है कि रसूल अल्लाह पर सुकून नाजिल किया गया है। तो हम लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह गमगीन ही कब थे कि उनके लिए सुकून नाजिल करने की जरूरत हुई? हाँ तो जवाब इसका ये है कि रसूल अल्लाह पर सुकून नाजिल करने के लिए रसूल अल्लाह का गमगीन होना जरूरी नहीं है। कुरान में एक और जगह पर परवरदिगार आलम ने फरमाया है वो अनज़लनाहु सकीनतन अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अनज़ल जुनूदन लम तरौहा, यानी यहाँ पर भी परवरदिगार आलम ये कह रहे हैं वो अनज़ल अल्लाहु सकीनतन, यानी अल्लाह ने सुकून नाजिल किया। यानी परवरदिगार आलम रसूल पर सुकून नाजिल करता है, ट्रैंक्वालिटी नाजिल करता है, इसके लिए रसूल अल्लाह की गमगीन होने की जरूरत हरगिज नहीं है, वो हमेशा सुकून और ट्रैंक्वालिटी पीस रसूल अल्लाह पर नाजिल करता है। ओके अब ये किस तरह से पता चलेगा, इसके आगे का जो जिक्र है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने, इससे ये पता चलेगा कि ये सुकून किसके लिए नाजिल हुआ है। ये तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अल्लाह ने सुकून नाजिल किया और ऐसे ग्रुप से इनकी मदद की कि जिन्हें तुम देख नहीं सकते। तो बताओ मुझे अल्लाह ने किनकी मदद की है, एक नादीदा ग्रुप से रसूल अल्लाह की मदद की है। तो जब आयत का आखिरी जुज रसूल अल्लाह के लिए था तो तमहीदी जुज भी रसूल अल्लाह के लिए ही था। तो जो सुकून, जो ट्रैंक्वालिटी, जो जिसके लिए कहा गया अंदर अल्लाह सकीन था, सुकून जो नाजिल किया गया है वो रसूल अल्लाह पर नाजिल किया गया है। और नादीदा फौज जो देखी ना जा सके, ऐसे ग्रुप से भी जो मदद की गई है वो रसूल अल्लाह की दी गई है। बाकायदा देखा गया हजारों का लश्कर जंगे बद्र में है और सामने ओनली 313, सिर्फ 313, चंद गिने चुने घोड़े हैं, चार पांच तलवारें हैं, दैट्स इट। अब इतनी छोटे से ग्रुप और सामने हजारों का, 3-4 हजार का लश्कर, ठीक है? अब इतना बड़ा लश्कर, यहाँ पर 313 सिर्फ, और 3-4 घोड़े, चार पांच तलवार, बस इतना सा, ये कैसे जीत गए? जवाब ये कुरान भी कहता है, क्या हमने बद्र में तुम्हारी मदद नहीं की? यानी अल्लाह मदद कर रहा है। और यहाँ पर भी परवरदिगार आलम ने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे एक नादीदा ग्रुप के जरिए। तो उस वक्त भी बताया जाता है कि उस वक्त भी जो परवरदिगार आलम ने इनकी मदद की थी, हाँ परवरदिगार आलम ने जंगे बद्र में मदद की थी फरिश्तों की ग्रुप के जरिए। तो यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है ये भी
रसूल अल्लाह के बारे में हो रहा है। पीस ट्रैंक्वालिटी नाजिल हो रही है रसूल अल्लाह पर नाजिल हो रही है, और जिस नादीदा ग्रुप से मदद हो रही है वो भी रसूल अल्लाह की हो रही है। इसमें जनाब अबी बकर के हवाले से गुफ्तगू नहीं है। बहरहाल एक और जगह अल मुस्तदरक अल सहीहैन में अल हाकिम अल नैसापुरी, ये भी अहले सुन्नत के बुक और अहले सुन्नत के राइटर हैं, ये फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह के पास पहले खलीफा और दूसरे खलीफा दोनों ने शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अलैहि सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अजल फरज बीबी के लिए अपना प्रपोजल दिया था, मगर रसूल अल्लाह ने इन दोनों के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि सैयदा अभी छोटी थी, और वहीं अली अलैहि सलाम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। ये फजीलत भी अमीर अल मोमिनीन अली अलैहि सलातो वसलाम को मिली। मुख्तसर ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे आगे भी बता सकें कि क्यों खलीफा अव्वल, जिन्हें उम्मत खलीफा अव्वल कहती है, वो क्यों नहीं और क्यों अली अलैहि सलाम, तो इसका आंसर इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। क्यों पहले दूसरे तीसरे हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों सिर्फ अली अलैहि सलाम, इसके रीजंस इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे क्लासेस है उसमें भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन शॉर्ट मुख्तसर ये परवरदिगार आलम ने जो हमें विलायत जैसी अजीम दौलत दी ना, उसका शुक्राना लम्हा द लम्हा अदा करना चाहिए। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें अहले बैत के चाहने वालों में करार दिया, और जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह। परवरदिगार आलम हमें बेहतरीन इल्म और बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफिज़।